स्टार, 7 × 2 = 14, गुड। 6 × 2 = 12, यस। 1 × 2 = 2, 10 × 2 क्या होगा 20, ओके। 9 × 2, 9 × 2 = 18, 4 × 2 = 8, 3 × 2 क्या होगा 3 × 2 = 6, 5 × 2 आंसर होगा 10, 8 × 2 क्या होगा आंसर 16, 2 × 2 आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 15 × 2 = 30, 12 × 2 क्या हो जाएगा 24, 18 × 2 अगर आप 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 36, 19 × 2 आंसर हो जाएगा 38, 14 × 2 आंसर हो जाएगा 28, 20 × 2 आंसर होगा 40, 11 × 2 क्या हो जाएगा 22, 17 × 2 आंसर क्या हो जाएगा 34, 16 × 2 आंसर क्या होगा 32, 13 × 2 आंसर हो जाएगा 26। अगर आपको टेबल लर्न है तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे क्या होगा कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो इम्प्रूव होगा, आपका जो टेबल है वो आपको कंप्लीट होंगे, और मल्टीप्लिकेशन जो है उस उन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, ओके। 27 × 2 अगर आप 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा 54। मुझे टेबल लर्न है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको टेबल लर्न नहीं होंगे तो आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 23 × 2 क्या हो जाएगा 46, 22 × 2 हो जाएगा 44, 30 × 2 60। इससे आपका टेबल इम्प्रूव होगा, आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो आप इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस कॉपी में करके कर सकते हैं, और आप करते समय स्पीड ज़रूर चेक कीजिए कि आप उन सवालों को कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। 26 × 2 क्या हो जाएगा 52, 29 × 2 क्या हो जाएगा 58, 24 × 2 ये क्या हो जाएगा 48, नेक्स्ट है 28 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 or 1 = 5, 56, 21 × 2, 2 × 1 = 2 or 2 × 2 = 4, तो 42 आंसर होगा, 25 × 2 = 50।